अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। 5 अक्टूबर 2024 और फहीम मलिक एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। दोपहर हो चुकी है और तकरीबन 12:15 हुए हैं दोपहर के। आज हम अपना वापसी का सफ़र कर रहे हैं और ये वाला ट्रैवल मैं स्पेशली AG-30 लवर्स के लिए फ़िल्म कर रहा हूँ, पत्तों की से लेके लाहौर तक, क्योंकि बहुत ही कम फिल्मिंग हुई है गुज़िश्ता जितना भी अरसा गुजरा है AG-30 की। तो स्पेशली आज आपको साउंड सुनवाएंगे AG-30 की, कड़ाकेदार। और अपडेट ये है कि 6005 जो है वो लीड कर रहा है ब्लू टाइगर। तो छोटा सा सफ़र है, देखेंगे आप और बनाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर मलिक, आपके जो 3 दिन हमने लिए, आपकी प्यार मोहब्बत और आपकी इसी उस गम में शेप बढ़ गई है जाने के। तो इंशाल्लाह गम नहीं करना है, फिर आऊँगा मैं सर्दियों के अंदर और अभी हम उकाड़ा मिलके कवर करेंगे धुंध के अंदर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया फहीम भाई, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात थी। जैसे मैंने पहले भी 2 दफ़ा अर्ज़ किया है, मेरी ड्रीम कम ट्रू है कि फहीम मलिक ऑल द वे फ्रॉम रावलपिंडी इन हबीबाबाद एंड पत्तों की, तो मेरा तो ख्वाब पूरा हो गया है। सच एन ऑनर सर। माई प्लेयर टू, और आते जाते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है यार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अंकल आंटी का, और बड़ा मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और एपिसोड बनाएंगे इंशाल्लाह। कोई कमी रह गई हो तो माजरत सर। कमी नहीं सर, मेरा घर था, कमी घर में नहीं होती, कमी बाहर होती है। इट्स एन ऑनर। थैंक यू नासिर। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे दूसरे भाई दोस्त सिकंदर भाई, सिकंदर मलिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका और आपने भी टाइम दिया आज, स्पेशली आप यहाँ पे आ गए स्टेशन पे मिलने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया फहीम भाई, बहुत मज़ा आया और इंशाल्लाह आपको मिस भी करेंगे और अगेन आपका वेट भी करेंगे कि आप कब हमें मौका देंगे। और जो आपने ये बात की कि धुंध में उकाड़ा कवर करेंगे, इंशाल्लाह मैं भी आपके आपको ही बुलाएंगे जी। रेल आपके लिए फिल्मिंग वगैरह नहीं है, पर यह है कि आपको भी रेल फैन बना देंगे इंशाल्लाह। तो नर्सरियाँ आपकी देख के बड़ा मज़ा आया था हमें। तो दोस्तों जिन लोगों ने हमारा इससे पहले वाला एपिसोड नहीं देखा, सिकंदर भाई जो हैं वो मलिक नर्सरी फार्म है इनका पत्तों की में, तो बहुत ज़बरदस्त ये काम कर रहे हैं और तकरीबन 1000 किस्म के मुख्तलिफ जो पौधे हैं ये लोग वहाँ पे उन्होंने लगाए हुए हैं। तो आप पत्तों की रेलवे स्टेशन वाला जो वीलॉग है वो लाजमी देखें, उसमें तमाम डिटेल जो है मौजूद है। दोस्तों 12:18 हुए हैं और 1:50 की ताखिर से नाइना पलामा इकबाल एक्सप्रेस 6005 ब्लू टाइगर की लीड में पहुँच रही है पत्तों की रेलवे स्टेशन पर। जी इनिशियल डिपार्चर हॉर्न हो गया दोस्तों और 5 मिनट खड़ी हुई है लामा इकबाल एक्सप्रेस। सिकंदर भाई अल्लाह हाफिज। थैंक यू।
अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। नहीं दोस्तों, पतौकी रेलवे स्टेशन छोड़ दिया नाइन अप ने, और पतौकी से निकलने के बाद नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है कोट राधा किशन, और उसके बाद रायबंद जंक्शन, कोट लखपत, और फिर लाहौर जंक्शन। तकरीबन 1.5 घंटे का ये सफ़र है। मेन लाइन 1 है और अप साइड की तरफ हम जा रहे हैं। दोस्तों अभी ब्रेक सप्लाई हुई है और रेलवे स्टेशन है छांगा मांगा,
सामने आपको शांगा मांगा का जंगल भी नज़र आ रहा है। सिग्नल रेड है और यहाँ से ये लोग PLC कलेक्ट करेंगे और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ेगी। दोस्तों ट्रेन हमारी पकड़ चुकी है लूप लाइन 1148 मेन लाइन 1 शांगा मांगा रेलवे स्टेशन है और यहां हम रास्ता देंगे 15 अप कराची एक्सप्रेस को ओवरटेक करेगी। नहीं दोस्तों, शांगा मांगा रेलवे स्टेशन और अब हम देंगे यहाँ पे रास्ता नॉन स्टॉप ट्रेन को। तो दोस्तों शांगा मांगा का जंगल तो आपने सुना होगा, हो सकता है काफ़ी लोगों ने देखा भी हो। आज रेलवे स्टेशन के ऊपर हम जो है रास्ता दे रहे हैं 15 अप को और ब्लू टाइगर 6005 मौजूद है यहाँ पे। चलिए दोस्तों ओवरटेक के लिए हो जाएं तैयार। ZCU आ रहा है फुल रफ्तार से और सज्जाद रजा साहब इसको लीड कर रहे हैं, लाहौर शहर के ड्राइवर। बाय बाय। लेकिन 10 मिनट रुकने के बाद चल रही है अब हमारी गाड़ी। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ
दोस्तों अभी हमारी ट्रेन भोए आसल अबेडेंट रेलवे स्टेशन से गुजर रही है और नेक्स्ट स्टॉप जाके अलामा इकबाल एक्सप्रेस करेगी कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पर। एक बज के 32 मिनट हुए हैं दोपहर के दोस्तों और ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है अभी कोट राधा किशन रेलवे स्टेशन पे 1163 किलोमीटर मेन लाइन 1 यहाँ पे स्टॉप है 9 अप का। जी 5 मिनट खड़े होने के बाद कोट राधा किशन से हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप रायवंड जंक्शन की तरफ।
दोस्तों अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है प्रेम नगर कंटेनर टर्मिनल रेलवे स्टेशन से 1171 किलोमीटर ML1 माइलस्टोन। KPA ट्रेन जो चलती हैं कराची से वो प्रेम नगर तक आती हैं, कराची प्रेम नगर कंटेनर स्पेशल्स। PLC कलेक्ट की है जी यहाँ से भी और 9036 लाइट पावर खड़ी हुई है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है दोपहर की निस्बत, बादल आ रहे हैं जी, आप देखें ब्लू स्काई और वाइट क्लाउड्स, बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन होता है। साउंड तो दोस्तों बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है, दूसरी कोच है लगेज वैन के बाद पहली ब्रेक वैन, पर 6005 जो है अगर कहा जाए तो इसकी पुलिंग कैपेसिटी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और ड्यू है इनकी स्पेशल रिपेयर बहुत अरसे से। होपफुली पाकिस्तान रेलवे जल्द बजट निकालेगा इन 15 लोगों ब्लू टाइगर को रिपेयर करने के लिए स्पेशल रिपेयर के थ्रू। ये कमज़ोर इंजन जो है आप तो मैं बता दूं कि 3 ट्रेन्स के साथ जो है मोस्टली वर्किंग कर रहे हैं, जिनमें से 2 ट्रेन्स हैं मुल्तान की, एक लाहौर से मुल्तान मुसाबाग एक्सप्रेस 115 116, इसके अलावा एक मुल्तान की ट्रेन कराची के लिए बहाउद्दीन ज़िक्री एक्सप्रेस 25 26, और एक सियालकोट भाइयों की ट्रेन के लिए भी कमज़ोर इंजन जो है वो रेलवे ने मुकर्रर कर दिया है। जैसे हर साल जो है वो ख़बरें रिलीज़ की जाती हैं रेलवे की जानब से कि माशाल्लाह इस साल जो है रिकॉर्ड आमदन हुई, हर साल ही रिकॉर्ड आमदन हो रही है, तो थोड़ा सा पैसा निकाल के लोकोमोटिव की रिहैबिलिटेशन पे लगाएं। ये एसेट है पाकिस्तान रेलवे का और स्पेशली ब्लू टाइगर जो है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वर्क करते आए हैं 1998 से ले कर आज तक। दोस्तों ट्रेन अभी हमारी पहुंच चुकी है रायगढ़ शहर में और स्टॉप करेगी नाइना बलामा इकबाल एक्सप्रेस रायगढ़ जंक्शन पर। 1:54 हुए हैं दोपहर के।
और दोस्तों दूसरी साइड से सिस्टर ट्रेन जो है वो पास हो रही है, टर्न डाउन इलामा इकबाल एक्सप्रेस। गेट पे रश है इसलिए इधर से ही मासिव है जी दिखाना। बहुत रश है जी रायबंद जंक्शन पर। जी 5 मिनट खड़े होने के बाद रायबड़ जंक्शन से आगे बढ़ रहे हैं।
दोस्तों ट्रेन अभी हमारी जिया बग्गा रेलवे स्टेशन से स्लो स्पीड में पास हो रही है। पीएलसी कलेक्ट की है यहाँ भी, आप ये देख लेंगे स्टेशन हमने छोड़ा कोई नहीं है जहाँ से पीएलसी ना पकड़ी हो, थ्रू आउट पत्तोगी से लेके और अभी ये जिया बग्गा आ गया। दोस्तों ट्रेन हमारी लाहौर शहर में दाखिल हो चुकी है और 2:30 बज चुके हैं दोपहर के। नेक्स्ट स्टॉप करेगी अलामा इकबाल जाकर कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर। 2:35 पे ट्रेन पहुंच चुकी है जी कोट लखपत रेलवे स्टेशन। 1204 किलोमीटर माइलस्टोन से गुजर रहे हैं हम। लाहौर शहर का सबर्बन रेलवे स्टेशन, काफ़ी पैसेंजर मौजूद हैं यहाँ भी अलामा इकबाल एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। कोट लखपत रेलवे स्टेशन की प्लेटफार्म नंबर जो 2 है, या आप कह दें प्लेटफार्म जो अप साइड पे है, उसकी मरम्मत का काम जारी है जी। बाउंड्री वॉल जो है वो आपको ये गिराई भी नज़र आ रही है। Thank you.
दोस्तों अभी ट्रेन हमारी गुजर रही है लाहौर छावनी रेलवे स्टेशन से, और सामने आपको मिलिट्री ब्लॉक रेक नंबर 9 खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों 3:05 पे पहुंची ट्रेन हमारी लाहौर जंक्शन पे, और आई थिंक इसको 8 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जा रहे हैं। आप रश देखें जी, आज बहुत ज़्यादा रश है, और उसकी रीज़न जो है आपको पता है। हलीम सब सियालकोट और नारोवाल साइड की पैसेंजर हैं। नहीं दोस्तों, पहुंच गए लाहौर, और बहुत ही मुश्किल हालात हैं अलामा इकबाल एक्सप्रेस के भी और पैसेंजर के भी। आप देखें ट्रेन रुकी नहीं है, पर लोग जो सवार होने वाले हैं पहले सवार हो रहे हैं, और उतरने वाले उतर नहीं सक रहे, और उसकी रीज़न है कि ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है, रोड जो है बिल्कुल बंद है। तो मुझे आज जाना है आगे इस्लामाबाद, और मेरी बुकिंग जो है 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे है। होपफुली वो ट्रेन चलेगी, रोड बंद हो कुछ भी, वो ट्रेन चलती है, इंशाल्लाह पहुंचेंगे रात को घर। दोस्तों एक और वीडियो आपको छोटी सी दिखाई पैसेंजर ट्रेन की, एक्सप्रेस जो है इस ट्रेन के साथ वैसे ही लगाया हुआ है, शौकिया मुझे लगता है। है ये पैसेंजर ट्रेन जैसे वाम एक्सप्रेस है, और इजाज़त दें फहीम मलिक को लाहौर जंक्शन से, लोको यहाँ पर डिटैच हो जाएगा, और यहाँ से होपफुली जो है ZCU वो अटैच होगा और ट्रेन को लेके जाएगा सियालकोट तक।